दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे किसान भाई ये जो पावर मीटर चलाते हैं, पावर मीटर चलाते समय ये बहुत सारे एक छोटी छोटी तकलीफों का, मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। और ये छोटी छोटी चीज है जो अगर हम करें तो मेंटेनेंस आपका कम होगा और मशीन भी अच्छा चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका मशीन का जो एयर फिल्टर है इसको क्लीन करने से क्या फायदे है, उसको क्लीन कैसे करते हैं, क्लीन ना करने से भी क्या उसके आपके नुकसान हो सकते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे ये मशीन का एयर फिल्टर है, इसको खोलना कैसे है, इसके ऊपर एक ऐसा लॉक दिया है, इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने के बाद इसके ऊपर ये आउटर कवर है, प्लास्टिक का है, उसको निकालना है, इसके अंदर डालना है। इसके अंदर एक लॉक है, इस लॉक को भी ऐसा घुमा के ऐसा निकालना है। देखिए इसके अंदर ऐसा ये देखिए ये स्पंज है, वो तीन स्पंज होता है, एक छोटा वाला है, इसके आउटर लेयर पर ये भी स्पंज होता है और ये अंदर ऐसा है, तीन स्पंज होता है। इसी तीन ही स्पंज को, ये तीन स्पंज को हमें पेट्रोल से साफ करना है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा कि पेट्रोल का यूज़ करें। पेट्रोल का यूज़ करने से ये अंदर से पूरा इसको क्लीन करना है और जो स्पंज है स्पंज को भी क्लीन करके 10 मिनट के लिए सुखा देना है। सुखा देने के बाद फिर से ये जो बड़ा वाला है वो आउटर लेयर पे था, इसको हमसे उसके अंदर हमें बिठाना है। ये देखिए आप आउटर लेयर पे वो बिठा, उसके अंदर ये ग्रे कलर का जो है, ये ग्रे कलर इसके अंदर ऐसा डालना है और लास्ट वाला ये ब्लैक, वो तीनों ऐसा डालना है। और वो डालने के बाद ये जो हमारे ये वाइट है, वाइट कवर, इसके अंदर हमें 30 ml का 20W40 का ऑयल डालना है। 30 ml पूरे ये बीन में 30 ml ऑयल होना चाहिए। ये ऑयल होने से क्या होता है कि हमारा जो डस्ट पार्टिकल है वो डस्ट पार्टिकल वो अंदर नहीं जाता है, इंजन में नहीं जाता है। ये जो ऑयल है उसको सक करता है और अंदर जाने से उसको रोकता है, यही ये ऑयल का काम है। इसलिए हर 10 घंटे के बाद इसका ऑयल चेंज करिए और ये पूरा क्लीन करिए। और ये सब होने के बाद इसको ऑयल फिलअप करने के बाद फिर से यही प्रोसेस हम आपको फिट करके देंगे, दिखाएंगे। इसके बाद ये इसका ये लॉक है, लॉक ये मेटल का है और ये जो दो उसके लॉक करने के लिए दिए हैं पंख की तरह, पक्षी की पंख की तरह, ये इसको ऐसा घुमाना है और लॉक करना है। इसके बाद में दूसरी चीज़ है ये हमारे आउटर कवर। आउटर कवर लगाते समय देखिए ये हमारा इन्वर्टेड यू शेप है, इसको ऐसा ये यू शेप में इसको मिलाना है और इधर भी ये एक है, ये देखिएगा ये फ्लैट चीज़, इसको ये दोनों लॉक होने के बाद फिर से उसके ऊपर का जो है लॉक है इसको हमें ऐसे बिठाना है। इतना सीधा और आसान तरीका है क्लीन करने का, और क्लीन करने के फायदे क्या है वो भी हम आपको इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो इसी तरह हर 10 घंटे के बाद इसको एयर फिल्टर को हमें साफ करना है। कभी कभी क्या होता है कि इंजन से काला काला धुआं निकलता है, काला धुआं इसी वजह से निकलता है कि हम एयर फिल्टर साफ नहीं करते। एक छोटी चीज़ है जिससे आपका इंजन का मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा, इंजन कूल रहेगा, हीटिंग का कोई चांस नहीं रहेगा और ज़्यादा इंजन का लाइफ बढ़ेगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो ऐसा ही एयर फिल्टर क्लीन करने के फायदे क्या है कि हमारा इंजन है वो इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होगा और इंजन का लाइफ बढ़ेगा, इंजन कूल रहेगा। और जैसे हमें छोटी छोटी चीज़ होने के बाद हमें मेंटेनेंस का सामना करना पड़ता है, मिस्त्री के पास जाना पड़ता है और फिर उसका सर्विस चार्ज भी देना पड़ता है, उसका वो सर्विस चार्ज देने का आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। और ऐसे ही पावर वीडर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसी चैनल पर हम आपको सिखाएंगे। तो इसी तरह आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक जो पावर वीडर चलाते हैं उनको तक शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए पावर वीडर की जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।